तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1996 में रिलीज हुई मूवी ऐसा हमारी लागोली को। ये कहानी है तीन खूबसूरत लड़कियों की, जो डिसाइड करती है कि हमें शादी से पहले किसी लड़के के साथ रोमांस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है टुनिसिया बीच के पास वाले एक टाउन गुलेट से, जहाँ पर हम घर के सीन को देखते हैं। उस घर के सभी मेंबर सो रहे थे, लेकिन उनमें से छोटा लड़का टॉम नींद से जागकर चुपके से घर के बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो बाकी के तीन दोस्तों को भी बुलाता है, क्योंकि अभी समर हॉलीडे चल रहा था। वो चारों चुपके से हंस के घर के पास चला जाता है। दरअसल हज ओल्डेस्ट और एक साफ सुथरा आदमी है। अब उन चारों में से एक लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि हज एक जादूगर था जिसके साथ पत्नियां थी, लेकिन उसने अपने पत्नियों को मारकर यहीं पर जला दिया था। अगले सीन में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो मिलकर एक वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही थी। दरअसल ये एक बुटीक है जिसके मालिक है कैसनोवा। उन तीनों लड़कियों के नाम थे टीना, फिटना और गिगी। वो तीनों लड़कियाँ एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त, जो यहाँ पर लव और रोमांस के बारे में बातें कर रही थी। यहाँ पर गिगी उन्हें बताती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने मूवी थिएटर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किया था। ये सुनने के बाद वो तीनों रोमांस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। फिटना कहती है कि हमें शादी से पहले इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब वो तीनों इस बात के लिए प्रे करने के लिए चर्च में चली जाती है, और वो कसम खाती है कि वो तीनों एक महीने के अंदर किसी न किसी लड़के के साथ रोमांस जरूर करेगी। लेकिन वहाँ खड़े टेटा नाम की एक औरत चुपके से इन तीनों के सारे बातें सुन लेती है। अब सिलाई क्लास से वापस आते समय उन लड़कियों के भाइयों ने बताती है कि मैक्स डिलन वापस आ गया है, जो टीना का काजिन ब्रदर है और वो काफ़ी हैंडसम भी है। अब आगे फिटना की मॉम मेरिन को देखते हैं, जो खाना तैयार कर रही थी, क्योंकि हज उनके घर पर लंच पर आने वाला था। फिटना अपने दोस्त के साथ बीच पर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसको मना करने लगती है, और फिटना कहती है कि मुझे नहीं लगता हज एक सचमुच अच्छा आदमी है। अब अपने मॉम के मना करते हुए भी फिटना अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने चली जाती है। दरअसल इस टाउन में रहने वाले सभी फैमिलीज एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। अब हज फिटना के घर पर लंच करने लगता है। यहाँ पर टेटा भी मौजूद थी। दरअसल हज यहाँ पे मौजूद सभी घरों का मालिक है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिटना बीच से वापस आकर बाथरूम में नहाने लगती है। उधर हज अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर वो फिटना को नहाते हुए देखता है, जिससे हज के सोए अरमान फिर से जागने लगता है। अब शाम को फिटना अपने फादर यूसुफ से बाहर घूमने जाने की परमिशन मांगती है। फिटना का फादर रेलवे में टिकट कलेक्टर का काम करता है, और अब दूसरी तरफ हज फिटना पर पूरी नज़रें रखने लगा था। रात को टेटा और हज मिलकर रेंट बिल क्लियर कर रहे थे, तभी टेटा हज से पूछती है कि तुम इस घर में अकेले कैसे रह लेती हो, तुम्हें एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ सकती हूँ। हज इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिटना की बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी, जहां पर गिगी अपने दोस्तों को कहती है कि अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठी रही तो हमें कोई नहीं मिलेगा। इसके थोड़े टाइम बाद उनकी मुलाकात टाउन के तीन बुरे लड़कों से होता है, जो उनके साथ रोमांस करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। अब फिटना की बहन लुसिया की वेडिंग नाइट पर वो तीनों लड़की चुपके से अपने तीनों बॉयफ्रेंड को चुपके से एक सीक्रेट रूम में लेकर चली जाती है। सभी लोग वेडिंग पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हज फिटना को हर जगह ढूंढ रहा था। उधर वो लड़कियाँ अपने अपने पसंद का लड़का चूज कर लेती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हज उन तीनों लड़कियों के फादर को लेकर उस रूम में चली जाती है। उन्हें देखते ही वो तीनों लड़का यहाँ से भाग जाता है। उन तीनों लड़कियों के फादर्स उन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने से भी मना कर देती है। बस इतना ही नहीं, अब तीनों लड़कियों के फादर्स एक दूसरे के साथ भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। वो तीनों लड़के पुराने बंद पड़े दुकान पर छिपे हुए थे। यहाँ पर उनका एक दोस्त उन्हें बताता है कि तुम्हें वो लोग हर तरफ ढूंढ रहा है। अब वो तीनों लड़कियाँ घर पर पड़ी बोर होने लगती है, क्योंकि वो बाहर और एक दूसरे को भी नहीं मिल पा रही थी।
कुछ दिनों बाद हज फितना के घर चला जाता है। फितना के माता पिता घर पर नहीं थे तो वो चुपके से फितना के रूम पर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो फितना को देखता है जो कि घर की सफाई कर रही थी। वो फितना के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। फितना हज से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि हज की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही थी। यहाँ पर फितना ये भी जान चुकी थी कि हज उससे क्या चाहता है। अब फितना हज को अट्रैक्ट करते हुए उसके तरफ हज को कहती है, अगर तुम मेरे फादर्स को कहकर सिलाई क्लास फिर से शुरू करवा दो तो मैं सिर्फ एक कपड़े से अपने बॉडी को ढक कर तुम्हारे सामने आऊँगी। हज इस बात के लिए भी मान जाता है। अब हज यूसुफ से मिलकर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी का सिलाई क्लास फिर से शुरू कर देनी चाहिए, कि अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यूसुफ इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों के लिए कुछ लव मैसेजेस भेजे थे। गिगी टीना और फितना को एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो सब मिल सकते थे। उधर ड्रिंक के नशे में यूसुफ अपने पुराने दोस्तों को याद करने लगते हैं। वो तीनों सब कुछ बुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन टाउन में एक फेस्टिवल था। अब वो तीनों लड़कियाँ उन तीनों लड़कों से मिलने का प्लान बनाती है। हज फितना से मिलने उसके घर चला जाता है जहाँ पर उसे फितना का प्लानिंग लेटर मिलता है, जिससे हज को सारी बात समझ में आ जाती है। उधर वो लड़की अपने लवर्स के पास पहुंच जाती है। हज वो लेटर लेकर फितना के फादर्स के पास चला जाता है। यूसुफ हज पर चिल्लाने लगता है क्योंकि चोरी से उसके घर पर नहीं घुस सकता। यूसुफ सभी लोगों के सामने ये भी कहता है कि इस ओल्डेस्ट आदमी ने मेरी बेटी का हाथ मांगा था। यहाँ पर हज का साथ देते हुए टेटा भी यूसुफ को बताती है कि मैंने इन तीन लड़कियों को चर्च में प्लानिंग करते हुए सुना था। ये सुनते ही सभी लोग हज के बताए हुए जगह पर जाने लगता है। दूसरी तरफ उन लड़कियों का काम पूरा हो चुका था और वो तीनों इस बात की खबर पाते ही वो तीनों यहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर उन लड़कियों के फादर्स देखते हैं कि उनकी लड़कियाँ तो चर्च में एक साथ प्रे कर रही थी। दूसरी तरफ हज सभी लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। फितना गुस्से में घर जाकर अपने बॉडी को एक कपड़े से ढक लेता है और हज के घर चला जाता है। हज फितना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी फितना अपनी बॉडी से वो कपड़ा हटा देता है, जिसे देख हज काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और उसके दिल के धड़कने बंद होने लगता है और फितना वहाँ से भाग चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।